हाय गाइस, दिस इज नितीश सिंह फ्रॉम टीम नौकरी हेल्पर्स। आज मैं अपनी टीम नौकरी हेल्पर्स की तरफ से आप सभी के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नया वैकेंसी लेकर के आया हूं। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं या आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। ये जो वैकेंसी है या ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये डेलॉयट कंपनी की तरफ से है। और आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और भी जो क्राइटेरिया है, मतलब कुछ स्किल्स है जो आपको आनी चाहिए, काफी कॉमन स्किल्स है, लगभग सबको ही वो आता है, लेकिन फिर भी आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो स्किल्स क्या है, आपका सैलरी क्या रहने वाला है, आपका पैकेज क्या रहने वाला है, इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मेन थिंग कि अप्लाई कैसे करना है। आप अप्लाई सही से नहीं करते हैं और उसके लिए आपको फिर रिटर्न मेल नहीं आता है अप्लाई करने के बाद, तो ये चीज को हम अच्छे समझेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है, आपको इसका लिंक कहां मिलेगा। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो अब मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। अगर आप मोबाइल से फिलअप करना चाहें तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, किसी भी चीज़ से आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूं और यहां आप जाकर के URL लिखेंगे, जैसे NAUKRIHELPERS nokrihelpers.blogspot.com। ये URL लिखेंगे, देख लीजिए, nokrihelpers.blogspot.com, और उसके बाद एंटर करेंगे। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में भी गूगल ओपन कर लीजिए या कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए और वहां पर ये URL एंटर कीजिएगा तो आप आ जाइएगा हमारे वेबसाइट पर। हमारे वेबसाइट पर आने के बाद देखिए, यहाँ अगर ऊपर में आप हमारे वेबसाइट पर आने के बाद अगर आप यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा डेलॉयट जॉब फॉर फ्रेशर। यहाँ से भी आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ ऊपर में ही अगर प्राइवेट जॉब्स पे क्लिक कर लीजिएगा फिर भी आपको यह मिल जाएगा डेलॉयट जॉब फॉर फ्रेशर। उसके बाद आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद अब हम पहले समझ लेते हैं कि क्या सभी क्राइटेरिया को हम पहले समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं या अगर आप ग्रेजुएट हैं फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएट क्या, किसी भी स्ट्रीम से। यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम से, बीए है, बीकॉम है, कॉमर्स से है, बीएससी है, साइंस से है, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेशर्स के लिए ये वैकेंसी, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये क्या है, एसोसिएट एनालिस्ट या मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर का ये पोस्ट होने वाला है डेलॉयट में। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखिए, ये जो पोस्ट है ये एसोसिएट एनालिस्ट या मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर का होने वाला है, सैलरी बेस्ड इन इंडस्ट्री रहने वाला है, मतलब अगर पकड़ लीजिए तो 4 LPA या उससे अबव ही जाएगा, ठीक है। जॉब लोकेशन हैदराबाद होने वाला है यहाँ पर, और जॉब टाइप जो होने वाला है ये फुल टाइम होने वाला है जॉब टाइप, ठीक है। और अगर एक्सपीरियंस का बात करें तो आप फ्रेशर हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से बैच अप्लाई कर सकते हैं, तो 2023, 2022 और 2021 वाले अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अगर देखा जाए तो ये डेलॉयट वालों ने मेंशन नहीं किया था कि अप्लाई का लास्ट डेट क्या होने वाला है, तो आप जैसे आपको ये मिल रहा है उसी समय पर अप्लाई कर ले आप, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि अगर आपको हमेशा अपडेट मिलते रहे तो आप इस पे क्लिक, हेयर पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं भी कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको हमेशा जॉब का अपडेट मिलता रहेगा। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, वहां से भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिप्लोमा और एनी डिग्री होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और यहाँ पे स्किल्स क्या होना चाहिए, एकदम बेसिक स्किल्स है, कुछ भी वैसा नहीं है, ठीक है। आपका मतलब रिटेन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, रिटेन में भी और वर्बल भी, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं, बस इतना ही है, कुछ बस यही सब चीज़ है और कुछ ऐसा नहीं है। आपको माइक्रोसॉफ्ट का नॉलेज होना चाहिए, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए हल्का सा, बस और कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पे। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाला है, तो ये जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक तरह का सपोर्ट रोल होने वाला है, लेकिन नॉन वॉइस होगा, कॉल आपको अटेंड नहीं करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, तो एप्लीकेशन स्क्रीनिंग होगा पहले, उसके बाद टेक्निकल राउंड होगा, उसके बाद एचआर इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, बस यही है। और कुछ एप्लीकेशन स्क्रीनिंग मतलब आपका रिज्यूमे पहले बोलो शॉर्टलिस्ट करेंगे फिर आपके पास मेल आएगा। मोड ऑफ इंटरव्यू क्या रहने वाला है, तो ऑनलाइन ही रहने वाला है, ठीक है। अबाउट डेलॉयट है, आप पढ़ना चाहें कि डेलॉयट क्या है तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद अंत में अगर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप और कोई वैकेंसी चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रॉल करके और भी वैकेंसी देख सकते हैं, फोन पे की तरफ से है, विप्रो की तरफ से है, एक्सेंचर की तरफ से है, लेकिन चलिए अब अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अप्लाई नाउ, देखिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही हमारे पास ये अप्लाई नाउ डेलॉयट के वेबसाइट पे हम आ गए हैं। उसके बाद अब अप्लाई नाउ का बटन दिख गया, अब इस पे हम क्लिक कर लेंगे अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही आप अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दे करके लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट है मतलब पहली बार अप्लाई करने जा रहे हैं डेलॉयट के लिए, तो यहाँ से क्रिएट प्रोफाइल पे आप क्लिक कीजिएगा। क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको जैसे जैसे यहाँ पे प्रोसीजर बताया जा रहा है वैसे वैसे आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें या इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी।